हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है क्लास 11th मैथमेटिक्स की, उसका जो पहला क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करने। तो एक बार जैसे अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, उससे पहले थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में फटाफट एक रिविजन कर लेते हैं जो हमने पिछली बार पढ़ा था। तो यहाँ पर तो कोई खास चीज़ है नहीं, यहाँ पर समझने के लिए बेसिक सही है कि इनिशियल रे, टर्मिनल रे, एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव, क्लॉक वाइज को नेगेटिव, और ऐसे ऐसे एंगल्स होते हैं। उसके बाद में हम मेन चीज़ देखते चलते हैं एक बार। हाँ, मेन चीज़ ये है, जब हमने डिग्री मेजरमेंट देखा तो 1 डिग्री इक्वल टू एक एक्चुअली क्या होता है कि 90 जो राइट एंगल जो होता है उसके अंदर 90 डिग्री होती है, और फिर 1 डिग्री में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो ये चीज़ें काम आएगी। फिर रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट की ये तो है सब डेफिनेशन, समझाने के लिए है। मेन चीज़ इसके अंदर आगे आती है तो एक फॉर्मूला आता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, या फिर एल इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन में होता है। इस पर एक बार वापस आते हैं, पहले आगे का देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई पाई इक्वल टू पाई रेडियन और 180 डिग्री बराबर होते हैं। पाई को रियल नंबर में उतना ही बोलते हैं, 3.14 या फिर 22/7 अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर रेडियन से या फिर रियल नंबर से हमें डिग्री में जाना है तो पाई को आप 180 डिग्री के बराबर रख दो, हम डिग्री में कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। फिर फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन, ये यहाँ पर मेन चीज़ है। रेडियन इक्वल टू, अगर रेडियन निकालना है डिग्री से तो पाई ऊपर होना चाहिए, नीचे 180। अगर डिग्री निकालना है रेडियन से तो रेडियन के साथ 180 ऊपर होना चाहिए और पाई नीचे होना चाहिए। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एक बार वापस आते हैं जो मैं बता रहा था, यहाँ पर थीटा इक्वल टू एल बाई आर है। ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ पर जो ये है थीटा वो डिग्री में पूछा, अगर डिग्री में पूछा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस फॉर्मूले में हमेशा यहाँ पे रेडियन ही आता है, डिग्री नहीं आता। ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली बात है। तो आपको अगर डिग्री में निकालना तो पहले रेडियन में निकालो और उसके बाद में रेडियन को यहाँ पे रख दो, मतलब रेडियन को पाई 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्री में निकालो। तो ये एक छोटा सा रिवीजन था। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो अगर इनकी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको साइट पर मिल जाएगी www.toppersvillage.com, वहाँ पर जाके एक क्लिक करते ही ये सारी चीज़ आपके PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में ऊपर की ओर आपको कुछ रिकमेंडेड बुक्स मिलेगी जिनको आप फॉलो कर सकते हो। उन बुक्स को मैंने ऐसे लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप इजी क्वेश्चन से लेके टफ क्वेश्चन की बुक्स तक आप फॉलो कर सकते हो। जब हम पढ़ाई कर ही रहे हैं तो फिर किसी कंसेप्ट के आसान क्वेश्चन या फिर टफ क्वेश्चन क्यों छोड़ें। दोस्तों, वही पहला क्वेश्चन यही है 3.1 एक्सरसाइज का। फाइंड दी रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ये डिग्री में एंगल दे रखा है, यहाँ पे डिग्री और सेकंड्स के अंदर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इन एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियन लाने के लिए डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना। सीधा सीधा सा ये लगाते चलो, इस पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में यही करना है हमें। तो करते हैं फटाफट। जो पहला एंगल है वो है 25 डिग्री, तो इसका रेडियन कितना आएगा, रेडियन कितना होगा यहाँ पर, क्या क्या है। अच्छा, रेडियन चाहिए तो पाई ऊपर आ जाएगा, 180 इंटू इधर क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। तो पाई, पाई की जगह वैल्यू रख देगा, पाई की जगह चलो पाई रहने देते हैं। ठीक है, वैल्यू वगैरह रखना या कैलकुलेशन करना अब हम नहीं करेंगे, अब हम 11th क्लास में आ गए। डिग्री, डिग्री से कितना आ जाएगा, 25। अब देखो यहाँ पे डिग्री वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये यूनिट वगैरह पीछे छूट जाती है। अब रेडियन है, इसकी वजह से भी यूनिट यहाँ पे ऊपर की तरफ हम सी लगाएंगे, तो वो ना भी लगाए तो भी चलता है, रेडियन में सब कुछ चलता है। अच्छा, इसको सोल्व कर लेंगे तो देखो यार, 5 से कट कर देते हैं इसको, 5 से इसको काटूंगा तो 5 टाइम्स 5 से इसको काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 5π/36 हो गया। ठीक है ना, तो ये जो 25 डिग्री होता है वो एक्चुअल में 5π/36 हो गया, है ना, सॉरी 36 है ना, 5π/36। सेकेंड पार्ट, इसमें बोला -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो तो यही है, डिग्री होना चाहिए। तो ये जो मिनट है ना, मिनट, मिनट को भी एक बार डिग्री में चेंज कर लेते हैं, फिर वो सब कुछ डिग्री में यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे मिनट या सेकंड नहीं दिखनी चाहिए, ओनली डिग्री दिखनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला ऐसा हो गया, पहले इसको चलो कन्वर्ट कर ही लेते हैं। माइनस लगा हुआ है यहाँ पे पहले से, तो हम माइनस को नहीं छेड़ेंगे, माइनस लास्ट में भी आता रहेगा और ये रेडियन में भी माइनस आ जाएगा।
-47 डिग्री, यहाँ पे 30 क्या है, 30 मिनट्स, यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, लफड़ाई खत्म, नहीं तो यहाँ पर भी माइनस लगाते फिर हम, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा लिया 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स को मैं क्या करूँ डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, 30 को 60 से डिवाइड कर देते, जब हम जो यूनिट होती है वो बड़ी यूनिट अगर लगाते हैं तो फिर डेटा अपना छोटा हो जाता है, ये नहीं लगाना यहाँ पे। अब ये कुल मिला के किस में आ गया, अब ये डिग्री में आ गया 60 से डिवाइड करते, इसमें क्या चीज़ काम आई है, इसमें अपनी ये चीज़ काम आई है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री, मतलब 60 से डिवाइड कर दिया हमने। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -47 पर ये 30 60 कट जाएगा तो 1/2 बच जाएगा डिग्री, माइनस इसको सोल्व करेंगे तो ये इसके पास आएगा, तो 94 + 1 95/2, सॉरी 95/2, और यहाँ पर क्या लगा रहेगा, डिग्री लगा रहेगा। अब देखो ये डिग्री के अंदर आ गया, अब इसका मतलब यही है ना, अब इसको रेडियन में चेंज कर देते हैं, तो रेडियन इक्वल टू कितना होगा, π/180 इंटू यहाँ पर आ जाएगा अपना डिग्री में एंगल, डिग्री में एंगल कितना है, -95/2, और यहाँ पर डिग्री वगैरह आप लगाने की जरूरत नहीं है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से कट करेंगे तो ये कितना बचेगा, 19, 5 से इसको कट करेंगे तो ये कितना बचेगा, अब वापस 36 बच जाएगा, और तो इसको सोल्व करेंगे तो -19π, ये तो ऊपर आ जाएगा -19π, नीचे की तरफ 36 × 2 तो ये 72 आ जाएगा, तो ये इतना रेडियन के अंदर आ गया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में लिखा है 240 डिग्री, तो देखो ये तो काफ़ी आसान हो जाएगा इस बार सोल्व करना, रेडियन निकालना है इक्वल टू पाई, रेडियन के लिए पाई ऊपर आता है, नीचे 180 इंटू इधर एंगल आ जाएगा डिग्री के अंदर 240। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो किससे कट करें, इसको 0 से 0 कट गया, 6 से कट कर देते ना, 6 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, 6 से काटेंगे 3 बचेगा, तो ये कितना बच गया, 4π/3, ये आ गया सीधा सा। फोर्थ पार्ट काफ़ी आसान है ना, एक फॉर्मूला है वो लगाते रहे, चलो इसके अंदर कन्वर्ट होते रहेंगे अपने आप। फिर 520 डिग्री, तो 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें, तो π/180 इंटू यहाँ पे 520 डिग्री, 520, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इनको किससे कट गया, 2 से कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ से कट करेंगे तो 26 आ गया, तो कितना बच गया, 26π/9, 26π/9। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, चारों पार्ट हो गए फटाफट फटाफट, बस कुछ नहीं किया हमने, π/180 से मल्टीप्लाई किया हर बार। दोस्तों अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, देखो क्या बोल रहा है ये, फाइंड द डिग्री मेजर्स, डिग्री निकालना है इस बार हमें, करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, ये रेडियन के अंदर एंगल दे रखे हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग हमें डिग्री में आंसर चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे बोल रखा है कि पाई की जगह जब कभी भी जरूरत पड़े तो पाई की जगह 22/7 हमें लेना है, यहाँ पर क्या बोला है, 11/16। देखो डिग्री में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री के अंदर डिग्री मिनट और सेकंड तक हम आंसर दे सकते हैं अगर वो फ्रैक्शन में आए जा रहा है। तो शुरू करते हैं अब 11/16 से, पार्ट फर्स्ट 11/16, हमें क्या निकालना है, डिग्री मेजर निकालना है। तो डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, यह है डिग्री का फॉर्मूला, डिग्री इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन, तो ये हो गया 180/π इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा, ये एक्चुअली रेडियन में दे रखा है, तो ये उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। अच्छा पाई, पाई की जगह क्या लेके चलना है, 22/7, 22/7 लेके चलना है, इस बार हटाना पड़ेगा पाई, रेडियन के अंदर तो पाई आता रहता है लेकिन डिग्री के अंदर पाई कभी हम रखते नहीं है, वैल्यूज रखते हैं 180/22/7 इंटू रेडियन में कितना चल रहा है, 11/16, इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, सीधा सीधा कर लेते हैं सबको, यह आ गया कितना, 180/1, ये 22 नीचे रहेगा, ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा 7 इंटू यहाँ पर कितना, 11/16, 11 इसको कट करेगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और 2 से हम अब इनको कट कर लेते हैं है ना, इसको 4 से काट लेता हूँ, तो 4 से कटेंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 45 बच जाएगा, बची कुछ कैलकुलेशन, 45 × 7 तो ये कितना हो गया, 5, 35 का 5 हो गया, बचा 3, यहाँ पे 315 हो गया, डिवाइड बाय नीचे कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब ये जो आंसर है ना, ये एक्चुअली डिग्री में आने जा रहा है, यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो तो यहीं पे लग जाती है, यहीं पर हम डिग्री लगा सकते हैं, डिग्री में आंसर चाहिए तो अब सब कुछ डिग्री है, LHS भी डिग्री, RHS भी डिग्री, अकेला रेडियन वो रेडियन में होता है, रियल नंबर में होता है, लेकिन अकेला डिग्री डिग्री में होगा, तो ये सब कुछ डिग्री में चला आ रहा है,
कैलकुलेशन सोल्व थोड़ा छोटा होने के बाद में मैंने यहाँ पे डिग्री लगाया है। अब इसको सोल्व करते हैं, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, तो 3 फिर कितना बचेगा इसके अंदर, 7, कितना हो गया 75। तो इसको 9 टाइम्स डिवाइड कर लेते ना, ऐसे 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 डिवाइड कर लो आप, 315 और यहाँ पर 8, तो ऐसे ही इतना आ जाएगा, 39 तो हो गया। और फिर कितना बचेगा फ्रैक्शन के अंदर, 3 बच गया रिमाइंडर, तो यहाँ पे 3/8। आपको आगे पॉइंट के अंदर आंसर नहीं देना है, फ्रैक्शन में छोड़ दो। अभी ये फिलहाल देखो पूरा का पूरा किसमें, डिग्री में है। अब इसके अंदर एक बार ये डिग्री डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो इंटीजर डिग्री है वो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 39 डिग्री। लेकिन यहाँ पर ये तो फ्रैक्शन में डिग्री है, तो ये एक्चुअली 1 से छोटा नंबर है, तो 1 से छोटे नंबर को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर उसकी जो यूनिट है वो छोटी हो जाएगी। जैसे अभी बड़ी यूनिट क्या है, डिग्री, यहाँ पे क्या है 3/8, ये पूरा का पूरा डिग्री के अंदर है। तो अभी नंबर छोटा है लेकिन यूनिट इसकी बड़ी है, डिग्री। मैं इस नंबर को बड़ा कर देता हूँ ताकि हम बोलने में आसानी हो, लेकिन फिर वो जो डिग्री, इसकी जो यूनिट है वो छोटी हो जाएगी, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इसको लिखता हूँ मैं, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री है, डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है, डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 3/8 डिग्री, तो 3/8 × 60, और ये पूरा का पूरा मिनट में चेंज हो गया। इसको यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन आ गई, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। चलो यहाँ पर इसको 4 से कट करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 4 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 15 बच जाएगा, है ना। तो ये तो अब और आसान हो गया, अब जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो भाई, यहाँ 39 डिग्री प्लस ये 3 × 15, 3 × 15 कितना हो गया, 45/2, ये मिनट के अंदर चल रहा है। लेकिन अभी भी अच्छा, ये फ्रैक्शन है लेकिन आप देखो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डिवीजन और चल जाएगा, और डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। 39 डिग्री डिवाइड करेंगे तो 22 और हाफ बच जाएगा, ठीक है, 22.5, ये मिनट्स के अंदर है, तो 22 मिनट्स तो सीधा सीधा हो जाएगा। फिर यहाँ पर हाफ मिनट बचेगा, तो हाफ मिनट को फिर हम, क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर है हाफ मिनट, तो इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। 39 डिग्री, 22 मिनट्स और हाफ मिनट अलग से, तो 39 डिग्री, 22 मिनट्स, हाफ मिनट को हाफ × 60, ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। 39 डिग्री, 22 मिनट्स, ये कितना हो गया, 30 सेकेंड्स। तो आप अभी ये प्लस प्लस का हटा दो, सीधा सा यही सेंस निकलेगा, 39 डिग्री, 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो ऐसे हमने कन्वर्ट किया। मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, रेडियन को पहले आप 180/π से मल्टीप्लाई करो, याद भी हो जाएगा। अगर डिग्री निकालना है तो 180 ऊपर होना चाहिए, और रेडियन निकालना तो पाई ऊपर होना चाहिए। फिर आगे इसको सोल्व करते चले गए, यहाँ तक जाके पहुँचे। यहाँ पर इसको डिवाइड करके अलग अलग कर लिया, यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर आंसर कभी भी मत निकालना, पॉइंट्स के अंदर, ठीक है, ऐसे रिमाइंडर बचना चाहिए। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 39 टाइम्स यहाँ पे जो भी सोल्व होगा, यहाँ पे लास्ट में 3 बच जाएगा, तो 3/8 वो यहाँ आ जाएगा, और जो कंप्लीट डिवाइड होगा कितनी बार वो यहाँ आ जाएगा। फिर जैसे ही कोई नंबर 1 से छोटा हो तो आप उसका, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिग्री है तो मिनट में चेंज हो जाएगा, या फिर मिनट है तो वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बाद में उसको एक साथ लिख दो। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट बोला है -4, तो -4 इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, तो अभी फिलहाल ये किसमें है, रेडियन के अंदर है। तो रेडियन के अंदर आप ये लगाओ मत लगाओ एक ही बात है, रेडियन जो होता है रियल नंबर के इक्विवेलेंट ही होता है। अब आते हैं डिग्री, डिग्री इक्वल टू यहाँ पे जैसे डिग्री निकालना, तो 180 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई π × यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियन के अंदर एंगल -4। तो इसको पाई की जगह वैल्यू रख देते हैं, पाई की जगह क्या वैल्यू रखें, 22/7 क्वेश्चन में बोल रखा है, यहाँ रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 180/22 × 7, यहाँ पे 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो गया, −4। छोटी मोटी कैलकुलेशन कटिंग कर लो, यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो 2 से यहाँ पे 11 बचेगा, और इधर इसको कट कर लेते हैं, 2 से यहाँ -2 बच जाएगा, ठीक है ना, इसका ये बच जाएगा। कुल मिला के सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइनस बाहर है 180, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, तो 180 × 7 कर लेते हैं पहले, 0 56 का 6 5 ये आया, डिवाइड बाई 11 × यहाँ पे 2 अभी चल ही रहा है, 2 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो ये बना। अभी अभी देखो कैलकुलेशन चल रही है, अभी ये सारा डिग्री में ही है, अभी मिनट और सेकंड में इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे। पहले एक फ्रैक्शन लाओ कम्प्लीटली डिग्री में, आसान सा एक्सप्रेशन लाओ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से कितना बन जाएगा, 2560/11 है ना, सिक्स यहाँ पे 6 का डबल 2 हो जाएगा, सॉरी 2520, 24 और 1 25 हो गया, ठीक है। अब ये कम्प्लीटली डिग्री के अंदर है, तो डिग्री के अंदर ये फ्रैक्शन है, तो जितना इंटीजर डिग्री अलग निकल सकती है उतना डिवाइड करके अलग निकाल लो, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा हमें, और फिर अगर कोई फ्रैक्शन बचता है तो उसको मिनट में, फिर फ्रैक्शन बचता है तो उसको सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो करते हैं और कैलकुलेशन, क्या करें दोस्तों, इसको डिवाइड करते हैं, तो माइनस को तो बाहर रख लेते हैं, सारी कैलकुलेशन अंदर ही अंदर करेंगे। 11 से इसको कट करेंगे तो 2, फिर बचा 22, तो 3, 32 हो गया, 32 हो गया, तो फिर से एक बार 2 टाइम्स कर लेते, तो 22, 32 माइनस 22 कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 और ये 0, 100 हो जाएगा, 100 को 11 डिवाइड करेगा तो 9 टाइम्स कर देगा, 99 बच जाएगा, फिर बचा 1, तो 1/11 यहाँ पे बच गया, ठीक है, 1 रिमाइंडर बच गया यहाँ पे, और यहाँ पर डिग्री के अंदर चल ही रहा है। अलग अलग कर दो, माइनस यहाँ पे 229 डिग्री तो अलग हो गया, प्लस 1/11 ये डिग्री में चल ही रहा है। अब इस डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, माइनस 229 डिग्री प्लस, इसको मिनट में कन्वर्ट करना तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60/11 ये किस में आ गया, मिनट के अंदर आ गया, -229 यहाँ पे डिग्री। अब इसको डिवाइड करते हैं तो देखो 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 प्लस फिर 5/11 फिर भी बच जाएगा ये, अभी ये मिनट के अंदर है। ब्रैकेट लगाते चलो, सबसे बढ़िया काम यही है, ब्रैकेट अगर लगाओगे ना तो कभी भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, यहाँ तो ज़्यादा चांस है कैलकुलेशन मिस्टेक होने का, हो सकता है मैंने कहीं पर गलती कर दी हो। -229 डिग्री प्लस, यहाँ पे मिनट को अलग अलग कर लो तो 5 मिनट, और यहाँ पे 5/11 मिनट, अभी ये फ्रैक्शन के अंदर है, ये मिनट फ्रैक्शन के अंदर है, तो उसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर दो, -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस यहाँ पे 5/11, तो कितना बच, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/11 × 60, अब ये जो है ये सेकेंड्स में आ गया, -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स, और कुल मिला के देखोगे तो ये कितना हो गया, 300/11, ये किस में, सेकेंड्स के अंदर चल रहा है। इसको जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड और कर लेते हैं, अब सेकेंड से छोटी कोई यूनिट नहीं है, और वैसे भी ये डिवीजन का भी खत्म होने वाला नहीं है, तो जितना पॉइंट में आता है उतना लिख के राउंड ऑफ कर लेते हैं। माइनस यहाँ पे 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 2 टाइम्स है ना, और 8 0 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर इसका आता है। तो एक बार आप भी कैलकुलेशन इसके देख लेना, यहाँ पर फिर बचेगा क्या माइनस, अब आप मतलब अप्रोक्सीमेटली ये आया था, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट तो कभी इसका आएगा भी नहीं, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। कितना हो गया ये, 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, देखो कई बार कैलकुलेशन आता है लेकिन ऐसा क्वेश्चन मतलब कोई खास नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेशन करानी है इसके अंदर, और कुछ नहीं है इसके अंदर है ना, तो कंसेप्ट कुछ नहीं है इसके अंदर, कंसेप्ट आपको बस कंसेप्ट देखते रहना है यहाँ पर, कैलकुलेशन वगैरह 11th 12th के अंदर बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल के बराबर होती है। दोस्तों अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, इसमें बोला कि ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस मतलब 360 चक्कर लगा लेता है वो, टायर मतलब किसी का टायर है, व्हील है तो बहुत तेजी से घूम रहा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने ये चक्कर लगा लेगा, रेडियन के अंदर हमें आंसर देना है, किसमें देना है, रेडियन के अंदर, तो एक हमें हाउ मेनी रेडियंस बताना है, रेडियंस मतलब हमें एंगल बताना है, ठीक है। तो आपने, मैंने एक चीज बताया था कि रिवोल्यूशन भी एक टाइप का एंगल होता है, बड़े एंगल्स के लिए हम रिवोल्यूशन काम में लेते हैं, एक रिवोल्यूशन के अंदर मतलब पूरा एक चक्कर लग जाता है 360 डिग्री का, और रेडियन में बोले तो 2π रेडियन, याद रखना यहाँ पर इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू, अगर डिग्री में आंसर चाहिए होता तो 360 डिग्री में बता रहा होता, लेकिन यहाँ पर हमें रेडियन में आंसर चाहिए तो मैं 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन की जगह 2π रख दूंगा, 2π रेडियन। देखो इसमें इसमें बोला है इन 1 मिनट कितने रिवोल्यूशन है,
360 रिवॉल्यूशंस। तो 1 मिनट हमें चाहिए, 1 सेकंड के अंदर हमें चाहिए, 1 सेकंड के अंदर। तो पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड्स, तो कितने चक्कर हो गए, 360 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, 360 रिवॉल्यूशंस। तो अगर मेरे को 1 सेकंड में रिवॉल्यूशंस निकालने हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, 60 सेकंड्स था, 60 को उधर भेज दिया मैंने, जैसा कि हम छोटी क्लासेस में करते थे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये रिवॉल्यूशंस बच जाएंगे। तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस हो गए, ये कट गया, इसको सोल्व कर लेंगे तो 6 रिवॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, ये कितना रेडियन टर्न हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। रिवॉल्यूशन भी एक यूनिट है एंगल की, मतलब ऐसे वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा 6 चक्कर लगा लेगा, तो हमें रेडियन में आंसर देना है। तो जैसे मैं अगर एक चक्कर लगाता हूँ तो ये 1 रिवॉल्यूशन है, और इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना रेडियन हो गया, 2 पाई रेडियन हो गया, जैसा कि अभी हमने देखा था। तो 1 रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, तो 6 रिवॉल्यूशन मतलब 6 × 2 पाई रेडियन। यहाँ पे मैं सी भी लगा सकता था, एक ही बात है, ना भी लगाओ तो भी चलता है। 6 × 2 पाई कितना हो गया, 12 पाई। तो 1 सेकंड में कितने एंगल घूमेगा वो, 12 पाई रेडियन। तो आप यहाँ पे सी लगा भी सकते हो, रेडियन भी लिख सकते हो, और कुछ नहीं भी लगा सकते तब भी चल जाएगा, क्योंकि रेडियन एक रियल नंबर की तरह बिहेव करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर बचे हुए क्वेश्चंस लेके। थैंक यू वेरी मच।